Hello dear students, how are you? I hope that you all have been doing well about your studies at home, and my videos will certainly help you, and it has helped you till now. Today, in this video, I would like to tell you about the answers of the short questions of the lesson A Fellow Traveler of Prose Section for 12th class of UP board this year. Okay, why I am talking about this year? Because since this year the syllabus of first year class has been changed, and we expect that on the next year this course might be changed. Okay, so forget that, just focus this year board examination. Aaj hi hame pata chala hai ki 30% syllabus bhi kam kar diya gaya hai, और प्रोज में अब 7 की जगह 5 लेसन बचे हैं. नेक्स्ट लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर अब सिलेबस से हट गया है, हालांकि उसके वीडियोस हम पहले शेयर कर चुके हैं. और एक लेसन और कम होगा, आई एम जॉन्स हर्ट, उसके बारे में हम आगे बताते रहेंगे. ऐसी 3 पोएम कम हुई हैं, वो पोएट्री का जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे. ठीक है, 7 वीडियो रह गए हैं, 7 पोएम रह गई हैं. मर्चेंट ऑफ वेनिस भी सिलेबस से चला गया है डियर वंस, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हो सकता हुआ है. Because of the impact of coronavirus in negative sense, this course has been reduced for 30% for you. Okay, now the answers of the short question. We have just 4 short questions, very important short questions, dear ones. And these are the answers. First question, when did the author become aware of his fellow traveler? Author A.G. Gardner को अपने सह यात्री के बारे में कब पता चला? अवेयर माने किसी चीज़ का जानकार होना, किसी चीज़ से परिचित होना या वाकिफ होना. तो आंसर शॉर्ट में लिख दिया है, कम एंड सेट ऑन द ऑन हिज नोज. ये शॉर्ट में हो गया, वेरी शॉर्ट में. लेंदी जब आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? व्हेन द ऑथर, फिर सीख लें बेटे बच्चों, ये डिड है पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पर बीकेम. When the author, यहाँ पे बीकॉम है, बीकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर कॉमा, कब करा उसने? ही केम एंड सेट ऑन हिज नोज. या इसे उल्टा करके करेंगे, When the mosquito came and sat on his nose, जब मच्छर आया और उसकी नाक पर बैठ गया, कॉमा, द ऑथर बीकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर. ठीक है, दोनों तरीके से आंसर कर देंगे. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट. किसी कंपार्टमेंट माने ट्रेन के डिब्बे में, अलोन माने अकेले होना, एक बहुत ही सुखद अनुभूति है. प्लीजेंट माने सुखद, सेंस माने अनुभूति या अनुभव या एहसास. तो कवि के राइटर के अनुसार ऐसा क्यों है? बिकॉज लिबर्टी माने आज़ादी है, एंड रेस्ट्रेंट माने किसी तरह की बंदिश नहीं है, पाबंदी नहीं है. तो आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, देर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ 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 लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट. एक अकेले डिब्बे में यात्रा करने से हमें जो आज़ादी मिलती है, जो हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है, वो बहुत सुखद एहसास है. और आगे भी लिख सकते हैं अगर आपको मन है, वी कैन डू एनी थिंग वॉट वी लाइक इन अ कंपार्टमेंट, अलोन इन अ कंपार्टमेंट. जब हम डिब्बे में अकेले होंगे ट्रेन के, तो हम कुछ भी कर सकेंगे. ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं. वी कैन लाफ, वी कैन स्माइल, वी कैन टॉक टू अवर सेल्फ, वी कैन सिंग और डांस, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं. लेंदी नहीं जाना, शॉर्ट में लिखना. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हु वॉज द फेलो ट्रेवलर. सबसे आसान होता है जब हु वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट रखना है. तो द मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रेवलर. व्हाट रिलेशन डिड द ऑथर डेवलप विद हिम. ऑथर का कौन सा रिलेशन उसे डेवलप हुआ? रिलेशन ये डेवलप हुआ कि ये तो पहले का आंसर हो गया, मॉस्किटो यहाँ आ गया, किनशिप, एक संबंध जुड़ा, पारिवारिक. और मॉर्टल्स मतलब एक हम लोग नश्वर हैं, जीवित हैं संसार में, जो राइटर को लगता है कि हम सबको एक दिन संसार से चले जाना है. तो एक तरह से हम सब लोग नश्वर हैं, वी आर द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी हैव टू गो वन डे. सो वी आर क्वाइट सिमिलर इन सम सेंस, वी आर फ्रेंड्स, वी बोथ आर यू नो
लिविंग थिंग्स, हम जीवित पदार्थ हैं, हमारे संबंध है, और एक तरह की हमें किनसिप है, रिलेशन है, एक भाईचारा है। ये राइटर को तब एहसास हुआ जब मच्छर को बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मार पाया, तो उसे लगा हम क्यों लड़ रहे हैं फजूल में, कोई वजह नहीं है, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज। यहीं से पकड़ लेंगे व्हेन वाले, व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज कॉमा द ऑथर क्या करा, फ्लिक्ड, यहाँ पर हिम जोड़ लेंगे, हिम ऑफ, उसने उसे उड़ा दिया, फ्लिक समझ रहे ना, उड़ा देना। चलिए अपना एक पैशन को भी जोड़ दूँ, क्रिकेट में एक शॉट होता है ना, विराट कोहली का फेवरेट शॉट है, फ्लिक करना है तेंदुलकर का, तो लेग साइड पर गेंद आई तो उसे फ्लिक, उड़ा दिया उसे सीधे। तो इस तरीके से राइटर ने मॉस्किटो को उड़ा दिया। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लें, अच्छा लगा हो तो इस प्रयास की आप प्रशंसा कर सकते हैं लाइक करके। तो इस तरीके से हम और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरीके से डिटेल में बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैव फन विद योर स्टडीज़।